हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक मेल एंड फीमेल चार्ट बना सकते हो एक्सेल के अंदर, वो भी जस्ट सिंपल से स्टेप में। मींस यानी कि आप कैसे किसी भी बार चार्ट को आप मेल एंड फीमेल चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट ये सिंपल से कुछ स्टेप हैं जिसको हमें यूज करके हम किसी भी मेल और फीमेल को चार्ट को बना सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल से कुछ स्टेप हमें फॉलो करने हैं, देन हमारा चार्ट बन जाएगा। अब हमारे पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आजकल हमें इन चार्टों की ज़्यादा डिमांड क्यों पड़ गई है, इन्फोग्राफिक चार्ट की, एडवांस चार्ट की क्यों आजकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ गई है हमें। क्योंकि मार्केट में क्या है, कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपके एक्सेल के चार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं एडवांस चार्ट के अंदर, और वो आपको और अच्छे व्यू दे रहे हैं। और थोड़ा सा आजकल जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो उसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। पर अभी एक्सेल के अंदर कोई ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं है कि हम अपन जस्ट सिंपल सा क्लिक करा और आपका चार्ट बन के आ गया, तो हमें कुछ उसमें ट्रिक्स को यूज़ करना पड़ता है, देन हम उससे रिलेटेड कुछ चार्ट्स बना सकते हैं। तो आज हमने उसी ट्रिक को यूज़ करके और एक मेल एंड फीमेल चार्ट बनाया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, से कुछ स्टेप कि आप कैसे इसको बना सकते हो जस्ट सिंपल से स्टेप के अंदर। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेल एंड फीमेल चार्ट बना रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू मेंशन कर रखी है मेल एंड फीमेल की। अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये देखिए इनकी भी वैल्यू यहाँ पे भी चेंजेस हो रही है। जैसे देखिए मेल के अंदर मैं अगर यहाँ पे मैं 67 करता हूँ तो देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है चार्ट में। एंड देन इसको मैं 98 कर देता हूँ, अब ये देखिए अगर मैं इसको 23 कर देता हूँ तो ये देखिए आप इस टाइप के चार्ट्स बना सकते हैं। इसके अंदर आप और भी आइकन यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहाँ पे मेल एंड फीमेल लें, आप यहाँ पे आप अदर आइकन भी ले सकते हैं। तो वो हम सीखेंगे आप कैसे कर सकते हो, उसको कैसे बना सकते हो, आप कैसे बेसिक चार्ट्स को आप जो नॉर्मल हम बार चार्ट बनाते थे उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो मेल एंड फीमेल में इन्फोग्राफिक चार्ट्स के अंदर। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक न्यू शीट इंसर्ट करता हूँ, देन उसके बाद हम उस पर वर्क करते हैं। तो मैं कंट्रोल एंड एक नई शीट इंसर्ट कर लेता हूँ, एंड देन थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो देखने में। एंड देन यहाँ पे मैं मेल लिखता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं फीमेल लिखता हूँ, ठीक है। ये मेल फीमेल लिख लिया, एंड देन थोड़ा सा उसको मैं डेकोरेट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा सही लगे। एंड यहाँ पे हम कोई भी एक फिगर ले लेते हैं, अभी एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी फिगर मेंशन करता हूँ 45 and 78, ठीक है। ये मैं फिगर मेंशन कर दी मैंने। अब मेन क्या है कि जैसे मैंने मेल एंड फीमेल की एक यहाँ पे एक परसेंटेज मेंशन कर दिया मैंने, पर अब क्या यहाँ पे एक मैं हेल्पिंग रेंज लूँगा मैं, जो उससे मैं हेल्प के उसकी हेल्प के थ्रू मैं यहाँ पे अपना चार्ट्स बना पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं =1 ये दिस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू हमें लेनी है, एंड देन ऐसे ही यहाँ पे हमें लेना है 1 ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखिए जब भी हम चार्ट्स बनाएंगे, अगर मैं डैट खाली इसी 45 वैल्यू को और 78 वैल्यू का अगर मैं चार्ट लेकर बनाता मैं, तो क्या है कि उससे मेरी रेंज सही नहीं आती और डेटा मेरा एक्यूरेट नहीं बनता। क्योंकि क्या है उसके अंदर मैं 45 यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता तो आपका बार जो चार्ट है वो भी उस हिसाब से अप डाउन होता, वो तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक वैल्यू ली है, एक हेल्पिंग वैल्यू ली है, जिसका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पे 100 टोटल आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे 100 आ रहा है, अगर मैं फीमेल वाले का लेता हूँ तो 100 टोटल आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू अगर चेंज करूँगा मैं, तो देखिए उसका टोटल अपने आप ही 100 आएगा, क्योंकि वो उसके मैंने फॉर्मूला लगाया है 1 - this value। तो जो भी वैल्यू होगा वो उसको मुझे एक बैलेंस करके दिखाएगा मुझे ये। तो बैलेंस करने से मुझे बेनिफिट क्या होगा कि जब मैं उसको बैलेंस करके मैं चार्ट्स बनाऊंगा तो जो मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे वही एग्जैक्ट आंसर शो होगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर देखिए अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर इसको मुझे शो नहीं करना तो उसको हम शो कैसे शो हाइड कैसे करेंगे। तो हाइड करने का मैं आपको तरीका बता दूँ, उसको क्या करना है, उस रेंज को सिलेक्ट करना है एंड देन कंट्रोल वन करना है। देखिए इससे पहले एक सिंपल सा स्टेप बताया तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप इस रेंज को सिलेक्ट करिए एंड देन यहाँ पे फॉन्ट कलर में आइए, तो यहाँ पे आप वाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ वैल्यू हाइड हो गया, पर आपका फॉर्मूले बाद में शो होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आप कलर ना हाइड करना चाहें, आप यहाँ पे चाहते हैं शो ही ना हो यहाँ पे, तो कंट्रोल वन प्रेस करें एंड देन यहाँ कस्टम में आए। अब जैसे ही कस्टम में आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 0% आ रहा है, इसको आप हटा दीजिए एंड देन यहाँ पे आप सेमी कॉलन 3 टाइम बाद प्रेस करिए 1 2 3,
अब जैसे 1 2 3 3 टाइम आप सेमी कोलन यहाँ पे प्रेस करेंगे एंड देन आप ओके करेंगे, तो आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हाइड हो गया है, अब वो दिखेगा नहीं, बस आपका फॉर्मूला बार में दिखेगा कि यहाँ पे क्या था, अदरवाइज आपको वो नहीं दिखेगा। आपको ये दोबारा देखने के लिए आपको कंट्रोल वन प्रेस करना है एंड देन आपको यहाँ से सेमी कोलन को रिमूव करना पड़ेगा, देन ही आपको ये आपका जो हेल्पिंग हमने रेंज लिया वैल्यू लिया वो आपको शो होगी। तो हम इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम उसको हटा ही देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम जैसे एक चार्ट बनाते हैं एंड चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेंज सेलेक्ट करने पड़ेगी एंड इंसर्ट में आने के बाद ये मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं इंसर्ट में आता हूँ। इंसर्ट में आने के बाद मैं यहाँ से सेकेंड वाला चार्ट लेता हूँ जिसका नाम है हमारे पास, अब ये देख रहे हैं नाम भी आ रहा है यहाँ पे, स्कैट कॉलम चार्ट। तो सेकेंड वाले चार्ट को लेते हैं, देन मैंने चार्ट लिया। अब उसके बाद मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो जूम आउट कर देता हूँ। अब ये दो वैल्यू आ रही है, मुझे दोनों वैल्यू को मर्ज करना है, एक साथ दिखाना है मुझे, जिससे कि मेरा डेटा बन पाए। अगर मैं दोनों वैल्यू को एक अलग अलग लेता हूँ तो मेरा डेटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए मुझे डेटा मर्ज करना पड़ेगा। डेटा मर्ज करने के लिए यानी कि जो ये दोनों वैल्यू, इन दोनों को एक साथ ओवरराइड करना है। ओवरराइड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ देखेंगे आपको एक फॉर्मेट मेन्यू आपको दिखेगा, आपको सॉरी डिजाइन मेन्यू दिखेगा आपको। जैसे आप चार्ट को अपने चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको डिजाइन मेन्यू दिखेगा आपको। आपको उसमें आने के बाद सबसे लास्ट में आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्विच रो एंड कॉलम, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपको स्विच एंड रो कॉलम हो गया है, यानी कि वो ओवरराइट हो गया है। अब ओवरराइट होने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आपका ओवरराइट हो गया तो अब आपको करना क्या है, जैसे हमारे पे जो एक्स्ट्रा एक्सिस जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आपको उस पर क्लिक करना है एंड आपको चार्ट पे क्लिक करें एंड प्लस पे आइए यहाँ पे। आप प्लस पे क्लिक करके जितने पे भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब पे चेक दिख रहे हैं, आपको अनचेक कर दीजिए। ये देखिए अनचेक कर दिया मैंने। अनचेक करने के बाद अब मुझे सेम चार्ट अब फीमेल वाला भी बनाना है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अगर देखना है तो रेंज मेल वाली है तो मुझे फीमेल वाली रेंज चाहिए, तो मैं जस्ट इस रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करके फीमेल वाले पर ले आऊँगा, तो ये फीमेल वाली रेंज होगी। अब ये रेंज होगी हमारी मेल एंड फीमेल की रेंज होगी, आप देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर जो हमारी 33 वाली जो हमने हेल्पिंग एक रेंज ली थी हमें उसको शो नहीं करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं आप देखें जो सबसे ऊपर वाली ऑरेंज कलर जो एक दिख रहा है, आप उसको डबल क्लिक करेंगे एंड उस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वाइट कलर को चूज करना है। वाइट कलर चूज करके एंड आउटलाइन के अंदर नो फिल करना है आपको, सॉरी आपको फिल कलर के अंदर आपको यहाँ पे नो फिल कलर सेलेक्ट करना है, वाइट कलर नहीं लेना है आपको, मतलब बाय मिस्टेक वाइट कलर हो गया था। एंड आपको दोबारा से आपको फीमेल वाले केस में भी सेम करना है, आपको फिल के अंदर नो फिल एंड आउटलाइन के अंदर नो फिल करना है। अब उससे होगा क्या कि आपका ये चार्ट है जो आपको बार चार्ट है ये बहुत इजीली वर्क करेगा और जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए हमारा एक स्टेप तो हमारा फॉलो, एक हमारा कुछ स्टेप तो हमारा हो गया है, दो स्टेप तो जिससे कि हमें अपना मेल एंड फीमेल वाला चार्ट हमने ऑलमोस्ट बना लिया है। अब हमें यहाँ पे मेल एंड फीमेल अपने आइकन की जरूरत पड़ेगी, तो मेल और फीमेल आइकन के लिए हमें यहाँ पे अपने पावर पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो पावर पॉइंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो मैंने पावर पॉइंट की शीट ओपन कर दी एंड देन यहाँ पे हमें मेल एंड फीमेल चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो मेल एंड फीमेल चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या स्टेप करना है, उसके लिए आपको इंसर्ट के अंदर आना है। इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे शेप का ऑप्शन आ रहा है, शेप के अंदर हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल यहाँ छोटा सा ड्रैग कर दिया हमने, बना लिया। अगर रेक्टेंगल के बाद हम यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट के अंदर आएंगे, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आने के बाद यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम। टेक्स्ट बॉक्स को मैं ड्रैग कर लेता हूँ एंड देन इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, 200 फॉन्ट साइज कर दिया मैंने। एंड देन अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको मेल इंसर्ट करना है, मेल का आइकन इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंबल में आने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे फॉन्ट में आपको वेबडिंग एक फॉन्ट है हमारे जो बाय डिफॉल्ट आपके आपके सिस्टम या लैपटॉप के अंदर होगा, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। तो वेबडिंग को आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पे आपके पास एक बहुत सारे आइकन आ रहे हैं,
तो यहाँ पे हमें आइकन आप चूज करना है, थोड़ा ढूंढना है, तो ढूंढने में थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि बहुत छोटा छोटा होता है ये। तो आपको इसको ढूंढने के लिए आप देखिए, मैंने थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो अब जैसे हम नीचे से ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मेल वाला ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, जस्ट आपको मेल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है एंड देन आपको क्लोज करना है। अब जैसे ही क्लोज करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर मेल वाला ऑप्शन आ गया है। एंड देन अब हमें क्या करना है, अगर आप देखिए आपको मेल वाला अगर आइकन आपको छोटा लग रहा है तो आप जो छोटा आप थोड़ा अपने साइज अपने डेटा के अकॉर्डिंगली से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जस्ट सिंपल सा होम पे आना और 200 की जगह आपको 250, 300, 350 आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने 200 ही लिया है मैंने। एंड देन मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके मैं जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था मैं इसके साथ इसको रिप्लेस करता हूँ, यानी कि इसको ओवर राइट करता हूँ। अब ओवर राइट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने आइकन को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल की हेल्प की कंट्रोल को यूज़ करते हुए कंट्रोल की को यूज़ करते हुए रेक्टेंगल को क्लिक करना है मुझे। अब ये दोनों दोनों रेंज है, दोनों आइकन एक मेरे पास रेक्टेंगल एंड देन मेल वाली मेरे पास दोनों शेप सिलेक्ट हो गई है मेरे पास। और सिलेक्ट होने के बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट वाले सेल पे आना है। फॉर्मेट वाले मेनू के अंदर आने के बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पे आप मर्ज शेप का ऑप्शन आ रहा है, मर्ज शेप पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे कंबाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंबाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर में हो गया है एंड देन उसके बाद ये जो जो आइकन था ये वाइट कलर में हो गया है। तो अब करना क्या, आपको दोबारा से शेप पे क्लिक करना है एंड देन उसका फॉर्मेट मेनू के अंदर आना है एंड देन यहाँ पे चेंज फील्ड के अंदर आके आपको उसको वाइट कलर करना है, आपको वाइट कलर करना है। एंड देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे हमें आइकन अब शो नहीं हो रहा है आप मेल वाला, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज शेप के अंदर मुझे यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। देखिए मैंने ब्लू कलर ले लिया तो ये हमारे पास मेल वाली शेप आ गई है हमारे पास। ऐसे ही मुझे फीमेल वाली शेप चाहिए तो उसके बाद मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में दोबारा से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं। उसके बाद मैं दोबारा से इंसर्ट में जाता हूँ एंड देन टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स को लेके मैं यहाँ पे इसको 200 कर देता हूँ मैं। 200 करने के बाद मैं दोबारा से इसको इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे सिंबल में आता हूँ एंड देन यहाँ से मैं फीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने फीमेल ले लिया एंड देन इंसर्ट एंड क्लोज। अब फीमेल लेने के बाद मैं इसे इसको मैं इसको सेंटर में इसको पेस्ट करता हूँ एंड देन कंट्रोल की हेल्प से हमें शेप एंड आइकन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ मैं। ये देखिए मैं सेलेक्ट कर लिया एंड देन फॉर्मेट सेल फॉर्मेट मेनू में आऊँगा एंड मर्ज एंड शेप पे आने के बाद यहाँ से वो कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कलर कर देता हूँ एंड जो आइकन है उसको आइकन को मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा एक स्टेप फॉलो हो गया, हमारे पास मेल एंड फीमेल का आइकन आ गया। अब हम इसको एक्सेल में पेस्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम एक्सेल में पेस्ट करने के लिए, आपको मेल वाला चार्ट जो है मेल ये आइकन को कॉपी करना है एंड देन आपको एक्सेल पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में आपको होम मेनू के अंदर पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है सबसे टॉप पे, आपको पेस्ट पे क्लिक करना है नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे इसकी। एंड देन यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है आपके पास पिक्चर का, आप पिक्चर पे क्लिक करिए एंड देन आप देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ गई है। ऐसे हम फीमेल को ले आएंगे, फीमेल को हम कॉपी करेंगे एंड देन मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ एंड देन पिक्चर पेस्ट वाले ऑप्शन पे एंड देन पिक्चर। देखिए अब आपके पास ये मेल एंड फीमेल की पिक्चर आ गई है। तो अब हमें इसको अपने चार्ट पे रिप्लेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जिससे कि हमारा डेटा एक्यूरेट रहे और कोई दिक्कत ना आए, तो आपको अपनी चार्ट पे क्लिक करना है एंड देन सॉरी वो चार्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ मेल एंड फीमेल वाली फिगर को आप अभी के लिए आप 100 कर दीजिए। ये देखिए 100 कर दीजिए। 100 करने से होगा क्या कि आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट आएगा, जो हम इसमें अगर अपना जो चार्ट जब आइकन को रिप्लेस करेंगे उससे हमारा डेटा हमेशा एक्यूरेट रहेगा, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो करना क्या, थोड़ा सा इस चार्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा चार्ट ये थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, तो ये देखिए मैं इसे ठीक है एंड देन मैं इसको भी साथ में लगा लेता हूँ जिससे कि डिफिकल्ट आसान होगा। अब देखिए मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया था लास्ट टाइम मेरे से मेरी क्लास के अंदर कि सर क्या हम जो ये वाला मेल और फीमेल वाला एक आइकन हमने बनाया है तो ये ऑप्शन तो हम एक्सेल के अंदर भी बना सकते हैं, कोई एक्सेल के अंदर भी सारे ऑप्शन आते हैं। इंसर्ट के अंदर आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास
शेप का ऑप्शन आ रहा है, एंड देन आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स का भी ऑप्शन आ रहा है। आप देखिए, अब बना तो सकते हो पर इसका आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर अब जब हमने इस दोनों को, आइकन को और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करा था, तो फॉर्मेट सेल में आने के बाद आपको मर्ज शेप का ऑप्शन आया था। तो वो मर्ज सेल का ऑप्शन जो वो है वो पावर पॉइंट के अंदर ही आता है, एक्सेल के अंदर नहीं आता है। तो इसलिए हम एक्सेल के अंदर ये चीज़ नहीं बनाते हैं, पावर पॉइंट की हेल्प लेते हैं एंड देन उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कंबाइन करना है जब भी हम इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको पाइवट की हमने हेल्प ली थी। अब हमने क्या करा, देखिए अब हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है मेल एंड फीमेल चार्ट को। अब मेल एंड फीमेल चार्ट को इंसर्ट करने के बाद अब इसके अंदर हमारे पे जो अननेसेसरी चीज़ है, जो अननेसेसरी स्पेस है, जो एरिया है, उसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा आइकन को, मेल वाले को, एंड देन आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देखिएगा फॉर्मेट मेनू का ऑप्शन आ गया है। फॉर्मेट मेनू पे आप आएंगे तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपको क्रॉप का ऑप्शन है। तो क्रॉप पे क्लिक करके आपको जो भी स्पेस नहीं चाहिए, हमें खाली मेल मेल की फ़ोटो चाहिए या आइकन चाहिए, हम उसको ऐसा ड्रैग करके अब उतने एरिया को छोड़ के हम सारे एरिया को ये देखिए मैं इसको मूव कर देता हूँ सारे आइकन को, जैसे कि हमारे पे जो मेल वाला आइकन है खाली हमें वही शो हो और अदर आइटम वो जितना भी है वो रिमूव हो जाए। अभी उतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया मैंने एंड देन क्रॉप पे क्लिक करा मैंने। तो अब हुआ क्या कि मेरे पे खाली मेल वाली आइकन आ गया, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो सारा रिमूव हो गया। ऐसे ही फीमेल वाले केस में करता हूँ मैं, फीमेल वाले केस में मैंने इसको ड्रैग करके एंड देन ये देखिए ये मैंने इसको कर दिया। अब आपके पास मेल एंड फीमेल की वैल्यू आ गई है और हमने यहाँ पे हैंडल वैल्यू भी कर लिया, जिससे कि हमारा डेटा एक्यूरेट रहे। अब आपको करना क्या है, आपको मेल वाला अपना आइकन को ड्रैग करके अपने फर्स्ट वाले चार्ट पे लेके आना है एंड देन आपको यहाँ पे ऐसे उसको पुट करना है, सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको ड्रैग करके छोड़ देना है एंड देन थोड़ा सा अपनी शीट को आप जूम कर लीजिए जब आप इस चार्ट का यूज़ करें, तो इससे होगा क्या कि आपका डेटा एक्यूरेट आएगा और डेटा में कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है, जो चार्ट आइकन है, इसके अंदर आपको उसको रीसाइज करना है, जिससे रीसाइज करने से होगा क्या कि आपका जो चार्ट है वो आपको मेल आइकन के अंदर ही शो होगा और अदर चीज़ में शो नहीं आएगा, आपका बाहर चार्ट आपको दिखेगा ही नहीं कि आपका वो बाहर चार्ट था। आपको सबको लगेगा कि वो आपने स्पेशली कुछ अच्छे एक प्रोफेशनल तरीके से आपने एक चार्ट बनाया है। तो अब मैं करूँगा इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं एक्स्ट्रा जो मेरे इसका हेड बाहर निकला हुआ है। तो मैं देखिए मैंने 100 वैल्यू इसलिए करी है क्योंकि मैं 100 तक मैं चाहता हूँ कि डेटा मेरा 100 तक ऐसे ही शो करे और उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो। अब देखिए मैंने इसको चेंज कर लिया है, अब देन थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में मैं इसको ऑरेंज ले लेता हूँ एंड देन अब देखिए अब करना क्या है मुझे, इसको मैं ड्रैग करके ये देखिए एंड देन इसको ड्रैग करके नहीं आया मैं। अब उससे हुआ क्या कि मेरा जो मेरा डेटा है वो इसी आपको मेल वाली फिगर के अंदर शो होगा। अब ऐसे ही मैं फीमेल वाले को कर लेता हूँ, फीमेल के लिए मैं ये देखिए मैं फीमेल को भी ऐसे ड्रैग करके ले आता हूँ मैं। अब करना क्या है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं और देखेंगे इनका थोड़ा हेड बाहर निकला हुआ है, तो हेड को बिल्कुल टच करूँगा ये देखिए एंड देन ये देखिए तो मेरा सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिसाइज करते हैं। रिसाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आई थिंक देखिए अब मेरे से यहाँ पे कुछ गलती हुई है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं अगर मेल वाला आइकन तो मैं ले लिया मैंने, पर मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। तो बैकग्राउंड कलर क्यों आ रहा है वो मुझे पता है, वो बैकग्राउंड कलर क्यों आ रहा है, जब ये मैंने आइकन बनाया था तो इसके अंदर मैंने जो शेप फिल कलर है उसको मैंने यहाँ पे वाइट नहीं लिया मैंने। तो वाइट ना लेने के वजह से ये मैंने इसको मैंने यहाँ पे नो फिल कर दिया होगा मैंने बाय मिस्टेक, तो इसके वजह से ये वहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो मुझे इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट करना है और इसका आइकन रखना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ दोबारा से एंड दोबारा से यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सही आ रहा है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करके मैं इसे जल्दी से यूज में लेके आते हैं, इसे मैं क्रॉप करता हूँ एंड देन
ये देखिए मैं यहाँ पर लाता हूँ, इसको जूम करता हूँ मैं, एंड देन देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट करा और इनका सेल निकला। अब आप ये देखिए आपका चार्ट रेडी हो गया है, बस सिंपल सा ऑलमोस्ट आपका रेडी हो गया है। मैं इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, उसको रेड ले लेता हूँ। ठीक है, अब रेड लेने के बाद करना क्या, मुझे जो इस एरिया को आया है ऐसे कर देता हूँ, एंड देन इसे ऐसे कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, अब ये जो मेरे पे जो आउटलाइन आती है चार्ट की, तो उसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट मेनू में आके नो आउटलाइन ऐसे यहाँ पे इसको नो आउटलाइन कर देता हूँ, एंड देन अब आप देखेंगे आपका ऑलमोस्ट एक ग्राफ रेडी हो गया है। तो उसके लिए मैं देखिए, अब मैं जैसे मैं ड्रैग कर रहा था तो मेरे पास ये पूरा डेटा अनमर्ज हो रहा था, उसके लिए मैं कंट्रोल एक करके एंड राइट क्लिक करके ग्रुप कर दूंगा मैं इसे। इससे होगा क्या कि जब मैं डेटा को इसको ड्रैग करूँगा अपने चार्ट को, तो पूरा कंप्लीट चार्ट ड्रैग होगा, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको देखिए ये आपका डेटा बन गया है, आपका चार्ट बन गया है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी फिगर चेंज करता हूँ मैं, तो देखिए आपके पास यहाँ फिगर चेंज हो रही है और इधर सिंपल से तरीके से वह काम हो रहा है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे 89 की फिगर आई है, मैं 89 की फिगर कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा मैच नहीं हुआ, तो उसका रीज़न है, उसके पीछे क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं इस चार्ट को दोबारा क्लिक करता हूँ एंड यहाँ प्लस में आने के बाद मैं यहाँ पे एक्सेस ले लेता हूँ। एक्सेस लेने के बाद आप ये देखिए हमारे पास जो फिगर आ रही है 89, और जो अगर इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन आप देखते हो तो 102 आ रही है, तो 102 वो सही नहीं आ रही है और यहाँ 82 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट रखनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा डेटा एक्यूरेट आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर डबल क्लिक करता हूँ एक्सेस पे, एक्सेस पर डबल क्लिक करूँगा मैं, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास लास्ट में ऑप्शन आएगा जो बार बना हुआ है, एंड इसमें एक्सेस पॉइंट में आने के बाद आपको यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 करनी है। अब जैसे ही 0 करेंगे तो देखिए आपके पास ये डेटा आ गया है, एंड देन सेम चीज़ ही हम मेल वाले ग्राफ में भी करते हैं। हम ये स्टेप हमें पहले करना था, तो स्टेप हम भूल गए, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, एंड देन मैं इसको प्लस करता हूँ, एंड देन इसके अंदर भी सेम चीज़ वही कॉन्सेप्ट है 0, एंड देन क्लोज। ये देखिए अब ये देखिए आपका ये डेटा बन गया है। अगर आप इसे यहाँ पे कोई भी अगर फिगर चेंज करेंगे, आप देखिए मैं अगर 99 भी करता हूँ मैं, तो देखिए वो उसके वजह से ऐसे दिक्कत आई थी, क्योंकि वो रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उसके वजह से आपका डेटा मिसमैच हो रहा था। अगर आप यहाँ कोई भी फिगर डालते हैं तो आप ये देखिए, है ना, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान स्टेप के अंदर आपने कैसे मेल एंड फीमेल चार्ट बनाया, वो जो सिंपल से स्टेप के अंदर 2 से 4 से 5 स्टेप थे जो हमें मेन हमें करना पड़ा। हमें सबसे पहले यहाँ पे एक हेल्पर का यूज़ करना पड़ा है, एक सिंपल सा एक बार चार्ट बनाया, उसको हमने कंबाइन करा, एंड देन उसको हमने पावर पॉइंट की हेल्प लेके मेल एंड फीमेल का आइकन बनाया, एंड देन उसको हम अपने चार्ट के साथ रिप्लेस कर दिया। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फोग्राफिक और एडवांस चार्ट लेता आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।